हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अनवर हुसैन फ्रॉम इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो होगा, आज हम लोग जो पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ आई एम हंग्री। क्या लिखा हुआ है? आई एम हंग्री, इसका हिंदी होता है मैं भूखा हूँ, ये पता होगा आप लोग को, ठीक है। तो इनकी जगह पर हम लोग और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को बेहतरीन करने के लिए, अच्छा करने के लिए, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना है, और अगर अब मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए, ताकि सारी के सारी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आप में से मेरा कोई ऑनलाइन इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है 6 मंथ के लिए, या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, तो मुझे ये वाले नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको सारी डिटेल्स फोन के जरिए बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का हमारा वीडियो होगा और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना आपको। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है आई एम हंग्री, क्या लिखा हुआ है? इसका प्रोनंसिएशन होगा हंग्री। हंग्री का मतलब होता है भूखा, यानी भूख लगना, है ना, जिसको भूख, जो शख्स भूखा है यानी जिसको भूख लगी हुई है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हंग्री कहते हैं। तो इनकी जगह पर हम और भी कई नए सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, तो देखते हैं। तो आई एम हंग्री की जगह पर हम क्या और इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई एम हंग्री की जगह पर क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका हिंदी होगा मैं भूखा हूँ। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, पहला सेंटेंस हमारा है आई एम फैमिश्ड। क्या है? आई एम फैमिस्ट का मतलब भी होगा भूखा, भूख लगना, इसका मतलब होता है भूख से मरना, यानी भूख से तड़पना, भूख से मरना। सो आई एम फैमिस्ट, इसका मतलब होगा मुझे भूख लगी है, यानी बहुत जोर की भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो क्या बोलोगे? आई एम फैमिस्ट, यानी अब हंगरी को छोड़ दो, ये बहुत ओल्ड हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है, तो आप कुछ नया सीखो, तो आप इनकी जगह पर इस्तेमाल करेंगे आई एम फैमिस्ट, मैं, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं माई स्टोमक, एस टी ओ एम ए सी एच, सी एच का साउंड यहाँ पर क में जाएगा, और इसको ख यानी च का नहीं पढ़ेंगे, च प्रोनाउंस नहीं करेंगे, तो माई स्टोमक, क्या बोलेंगे इसको? माई स्टोमक इज ग्रॉलिंग, ठीक है ना, ग्रॉल ग्रॉल ग्रॉलिंग, माई स्टोमक इज ग्रॉलिंग, कि मेरा स्टोमक जो है आप ग्रॉल कर रहा है, ठीक है ना, मतलब इसका सेंस वहीं पर जाएगा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे जोरों की भूख लग रही है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे? माई स्टोमक इज ग्रॉलिंग, मुझे जोरों की भूख लग रही है, या मुझे भूख लग रही है। तो आप इस वर्ड की जगह, मतलब आई एम हंग्री की जगह पर इन सेंटेंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को बेहतरीन करने के लिए, अच्छी इंग्लिश के लिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है 3 नंबर में, देख सकते हैं आई एम हंग्री एज अ वुल्फ। एज अ वुल्फ, वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया, वो हमेशा उनको भूख लगी रहती है, ठीक है ना। तो आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ जैसा कि भेड़िया, यानी भेड़ को जैसा भूख लगती है उसी तरह मैं भूखा हूँ, बिल्कुल काफ़ी भूखा हूँ। सेंस यहाँ पर सिंपली समझ में आएगा, मुझे काफ़ी भूख लगी हुई है, मतलब मैं भूखा हूँ। आई एम हंग्री एज अ वुल्फ, अब इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल, आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, कि 4 नंबर में हमारा आई कांट ईट अ होल काउ। आई कांट ईट अ होल काउ, काउ ये फ्रेजेस हैं, तो जिसका मतलब यही हो रहा है, सेंस यहाँ पर यही जाएगा कि मुझे काफ़ी भूख लगी हुई है। आई कांट ईट होल काउ, इसका मतलब क्या होगा अगर हिंदी पर जाए? आई कांट ईट, मैं नहीं खा सकता अ होल काउ, पूरी काउ को, व्हाटएवर। तो यहाँ पर इसका एक सेंस क्या लिया गया है कि अब मुझे काफ़ी भूख लगी हुई है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है कि आई हैव गॉट द मंचेस। आई हैव गॉट द मंच, मंच मतलब होता है चबाना, मंचेस, तो आई हैव गॉट द मंचेस, क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट द मंचेस, मतलब इसका मतलब भी सेंस क्या निकल रहा है, मुझे काफ़ी भूख लगी है। तो ये सब एडवांस इंग्लिश है, इसका इस्तेमाल आप करें, अच्छे से करें, बहुत ज़्यादा किया भी जाता है, हो सकता है आपने कभी सुना नहीं होगा। तो अगर किसी ने आपके सामने यूज़ भी किया होगा, या कहीं यूज़ भी हुआ, सुना होगा, तो अपने ध्यान नहीं दिया होगा कि एक्चुअली सेंटेंस कौन सा। तो लास्ट हमारा सेंटेंस क्या है, आई हैव एन एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब भी होता है भूख, क्या कह सकते हैं? भूख कह सकते हैं, या इच्छा कह सकते हैं, या ख्वाहिश कह सकते हैं। आई हैव एन एपेटाइट, यहाँ पर इसका मतलब मीनिंग क्या होगा? भूख होगा, कि मुझे भूख लगी है। आई हैव एन एपेटाइट, मुझे भूख लगी है, यहाँ पर सिंपली इसका मीनिंग होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेंटेंस है जरा आमहंगरी की जगह पर, आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करिए और अपने इंग्लिश को बेहतरीन बनाइए। तो देखते रहिए, आगे हम लोग और पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ? काम डाउन का मतलब होता है शांत हो जाइए। क्या होता है? शांत हो जाना, शांत होना, सिंपली हम लोग कह सकते हैं शांत होना। और इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, शांत हो रहा, कब करते हैं? कि जब किसी को हम लोग कहते हैं कि जब कोई गुस्सा में होता है, तो फाइनली इसको हम लोग क्या कहते हैं? यार शांत हो जाओ। क्या कहते हैं? शांत हो जाओ। तो वहाँ पर हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर हम लोग बोलेंगे? रिलैक्स। क्या इस्तेमाल करेंगे शांत हो जाओ की जगह पर? रिलैक्स कहेंगे, गिव इट रेस्ट कहेंगे, या कूल डाउन कहेंगे, या टेक, क्या कहेंगे? टेक इट ईजी कहेंगे, या टेक अ, या हम लोग क्या कह सकते हैं? टेक अ डीप ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रीथ, या हम लोग कह सकते हैं स्टीडी ऑन, या कह सकते हैं चिल आउट, ठीक है, देखते हैं।
काम डाउन लिखा हुआ है, काम डाउन, इसमें काम के अंदर में जो एल है ना ये साइलेंट है यानी म्यूट है, इसका कोई साउंड यहाँ पर नहीं आने वाला है। काम डाउन जिसका सिंपली हिंदी होता है शांत होना, क्या होता है शांत होना, इसका इस्तेमाल हम उस टाइम करते हैं जब कोई गुस्सा में होता है, यानी किसी बात को लेकर वो टेंशन में है या किसी बात को लेकर वो गुस्सा है तो आप क्या कहते हैं शांत हो जाओ, क्या कहते हैं शांत हो जाओ। तो हमने सुना है कि काम डाउन कहते हैं, क्या कहते हैं काम डाउन कहते हैं, बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा यूज इसका हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ नया आपको सिखाऊँ, ठीक है ना। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना आपको। तो काम डाउन की जगह पर आप सिंपली क्या कहेंगे, रिलैक्स, क्या बोलेंगे रिलैक्स। अगर कोई गुस्सा करके आया है, कुछ बहुत गुस्सा में, अब उसको बोलोगे रिलैक्स, क्या बोलोगे जस्ट रिलैक्स, यानी शांत हो जाओ, क्या बोलोगे शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। या आप कह सकते गिव इट अ रेस्ट, क्या बोलोगे गिव इट अ रेस्ट, यानी शांत हो जाओ, गिव इट अ रेस्ट, शांत हो जाओ, गिव इट अ रेस्ट, शांत हो जाओ, ठीक है। वेल ये भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, नया है बिल्कुल आपके लिए, अब इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा भी किया जाता है। आगे नेक्स्ट सिंपली हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कूल डाउन, क्या कहते हैं कूल डाउन, तो सुना ही होगा ना कूल डाउन जस्ट कूल डाउन, ठीक है कूल डाउन, या सिंपली हम लोग कहते हैं कूल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, या हम लोग कूल डाउन का इस्तेमाल करेंगे यानी शांत हो जाओ। वेल आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है कि टेक, क्या लिखा हुआ है टेक इट इजी, क्या लिखा हुआ है टेक इट इजी का मतलब हो जाएगा कि सिंपली इसका मीनिंग हो टेक इट इजी, यानी गुस्से में है या किसी बात का टेंशन हो गया, किसी बात का प्रॉब्लम हो गया, कोई झगड़ा हो गया है, तो हम लोग क्या कहते हैं जस्ट टेक इट इजी, क्या बोलेंगे टेक इट इजी यानी शांत हो जाओ, यानी इसका सेंस वहीं पर जाएगा इजी रहो, इजी लो, ठीक है। तो टेक इट इजी का मतलब भी हो जाएगा शांत हो जाना, शांत रहना। वेल आगे नेक्स्ट वर्ड हमारा है कि टेक, क्या लिखा हुआ है टेक अ डीप ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रीथ, इसका मतलब है गहरी सांस लेना, तो टेक अ डीप ब्रीथ का मतलब क्या हो जाएगा सिंपली इसका मीनिंग वही आएगा कि शांत हो जाओ। तो ये नए वर्ड्स हैं जो आप काम डाउन की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, नए सेंटेंसेस हैं। या आप फाइनली कह सकते हो स्टीरी ऑन, क्या कह सकते हो स्टीरी ऑन, स्टीरी का मतलब भी होता है शांति, स्टीरी का मतलब भी होता है अस्थिर, रुक जाना, ठहर जाना, स्टीरी ऑन शांत हो जाओ, स्टीडी ऑन शांत हो जाओ। या आप कह सकते हो चिल आउट, क्या बोलोगे चिल आउट, चिल आउट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जस्ट चिल, चिल भी अपने सुना होगा, ठीक है ये वर्ड चिल भी सुना होगा, चिल का मतलब ही होता है चिल करो यानी शांत हो जाओ, मजे करो, है ना। वेल तो चिल आउट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। खैर आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है लिखा हुआ कि इट्स बोरिंग, क्या लिखा हुआ है इट्स बोरिंग, सुना ही होगा आपने इंग्लिश के अंदर, अगर आपने इंग्लिश पढ़ते हो समझते हो सीखते हो तो वेल तो इट्स बोरिंग, तो ये खैर आपको पता होगा बोर का मतलब होता है किसी बात को, किसी बात से जब हम उब जाते हैं, किसी बात से हम जो बार बार उस काम को करके उस बात को सुन के हम क्या हो जाते हैं बोर हो जाते हैं, उब जाते हैं ना, उबना कह सकते हो, उब जाते हैं, थक जाते हैं, तो वेल हम लोग कहते हैं इट्स बोरिंग, यानी ये बहुत बोर है, इट्स बोरिंग ये बहुत बोर है, ये बहुत पकाऊ है, बहुत उबाऊ है, ठीक है ना। वेल हम लोग कह सकते हैं आगे नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है उसकी जगह पर हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इट्स I dislike it, सिंपली आप कह सकते हो अगर कोई चीज़ आपको कोई प्रीफर कर रहा है यानी कोई चीज़ आपको जो ऑफर कर रहा है दे रहा है कि आपको ये चाहिए सॉरी अब क्या कह सकते हो आपको लग नहीं या बिल्कुल आपको पसंद नहीं है आई डिसलाइक इट, क्या बोलोगे आई डिसलाइक इट भी कह सकते हो, उस सेंस में ही पड़ जाएगा, मतलब आपको वो चीज़ें पसंद नहीं है, आप उस चीज़ को पसंद नहीं करना चाहते, बल ठीक है। नेक्स्ट नंबर है दैट्स, क्या लिखा हुआ है दैट्स नॉट फॉर मी, क्या लिखा हुआ है दैट्स नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है, दैट्स नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है, सिंपली इसका मीनिंग वहाँ पर जाएगा बिल्कुल मतलब बोर है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं इसको पसंद नहीं कर सकता। या आप कह सकते हो इट्स डल, डल का मतलब ही होता है वही बोर होता है ना, बहुत बेहूदा कह सकते हैं ना, इट्स डल बहुत बकवास है, बहुत बेहूदा है, बोर है ना, बेकार है, इट्स डल ना, काफ़ी डल है। वेल अब इस आगे नेक्स्ट वर्ड इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, कप ऑफ टी का मतलब होता है बस की बात, तो ये सेंटेंस का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मतलब ये मुझे बिल्कुल पसंद है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। वेल आगे नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग कह सकते हैं लोग आई वाज डाइंग ऑफ बोर्डम, है ना, तो मतलब मैं जो है इस चीज़ से बिल्कुल उब चुका हूँ, मतलब इस बोर्डम से, बोर्डम का मतलब हो जाएगा बोर यानी है ना उबना, तो मैं इस बोर्डम से, इस बात से, इस काम से मतलब क्या हो चुका हूँ डाइंग हो रहा हूँ, मतलब बहुत दिन से मैं इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा हूँ, सो आई वॉज डाइंग, मैं इस चीज़ को डाई कर रहा हूँ, यानी डाई का मतलब इसे मरना होता है। वेल तो यहाँ पर मतलब इस चीज़ को काफ़ी दिन से आप झेलते हुए आ रहे हो, तो इट्स आई वॉज डाइंग ऑफ बोर्डम, ठीक है। वेल इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या सिंपली आप कह सकते इट बोर्स मी टू टीयर्स, इट बोर्स मी टू टीयर्स का इसका मतलब क्या हो गया कि ये मुझे बोर करता है, किस बात के लिए रोने के लिए, मतलब इतना ज़्यादा बात थक चुका हूँ, इतना ज़्यादा इस काम से उब चुका हूँ, तो हम लोग क्या कह सकते हैं इट बोर्स मी टू टीयर्स, या हम लोग कह सकते हैं आई फेड अप, आई
फैड अप भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मतलब मैं फैड अप हो चुका हूँ। आई फैड अप मतलब मैं बोर हो चुका हूँ, ठीक है। आई फैड अप ऑफ, जो भी आपका जो भी काम से आप बोर हो गए तो फैड अप ऑफ का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। वेल तो आज का ये हमारा कुछ सेंटेंसेस रहा, तो आई थिंक आपको समझ में होगा, अच्छा लगा होगा। तो खैर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसका इस्तेमाल करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।